दोस्तों बीएसएफ और सीआरपीएफ में लगभग 1 लाख वैकेंसी खाली है। चाहे आप एसएससी जीडी के स्टूडेंट 2018 के हो, चाहे आप आने वाली भर्ती देखोगे, भाई दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। क्या पूरा मामला, क्या ये किस प्रकार की ये न्यूज़ है, हम सब कुछ बताएंगे भाई। बस वीडियो को लास्ट तक देखना और कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत करना भाई। सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो इस समय जो आरएमई दे रहे हैं और जो डीएमई जो पास हैं, हम सब के लिए मैं बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है भाई। वीडियो कहीं पे स्किप मत करना। और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें। और क्या नोटिस, तो दोस्तों जैसे ये आप भी एक देख रहे हो, केंद्र सरकार ने सोमवार यानी आज जो था, मैं एक न्यूज़ देख रहा था उसमें बताया कि बीएसएफ और सीआरपीएफ यानी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में करीब 1 लाख पद खाली पड़े हैं। इनमें से अधिकतर खाली सेवानिवृत्त इस्तीफों और मौतों जो वीरगति को हमारे जवान प्राप्त हो गए उनकी वजह से हैं। तो दोस्तों 1 लाख वैकेंसी भाई, बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। आगे भी इसका नोटिस है, आगे भी हम न्यूज़ बताएंगे आगे कि और किन डिपार्टमेंट जो हैं इसके अलावा कितनी कितनी वैकेंसी है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यहीं पे छोड़ के मत भाई चले जाना। अगर यहीं पे छोड़ दिया आपको इन्फॉर्मेशन आपके हाथ से चली जाएगी। चाहे आप पुराने देख रहे हो बच्चे जो 2018 के हो, चाहे न्यू हो, नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखो। जैसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में सबसे अधिक वैकेंसी है आपकी 28,926। और इसके बाद अगर बात की जाए वो आती है सीआरपीएफ की, वो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है सेकंड नंबर पे सीआरपीएफ की 26,506 वैकेंसी है। वहीं उसके आगे नेक्स्ट हम बात करें तो वो है सीएसएफ में, वो लगभग है 23,906 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो वो है एसएसबी में 18,643 वैकेंसी है। उसके आगे हम नेक्स्ट बात करें तो वो है आईटीबीपी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, उसमें है 5,784। और वहीं असम राइफल की बात की जाए तो उसमें है 7,328। दोस्तों ये वैकेंसी है लगभग 1 लाख वैकेंसी है जो खाली पड़ी है डिपार्टमेंट में। इससे भी ज़्यादा हो सकती है लेकिन इतनी तो है ही है भाई। एक तो ये है और एक गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दी और लगभग 70,000 से 72,000 जो वैकेंसी है आपकी नेक्स्ट ईयर जो फिल की जाएगी, ये 1 लाख उससे अलावा वैकेंसी हो सकती है। और भाई अगर इसमें 1 लाख में से यहाँ पर अगर 15-20 हज़ार भी दे देते हैं ना 2018 की भर्ती में, तो सबका बेड़ा पार हो जाएगा भाई, सभी की सिलेक्शन हो जाएगी। जो जो बंदा इतना साल से वेट कर रहा था सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट हम बताते हैं, मंत्री जी ने कहा कि सरकार ने सीएपीएफ में रिक्त पदों को भरने के लिए यानी कदम उठाए हुए हैं, त्वरित मतलब चल रहा प्रोसेस चल रहा है, जो एक प्रक्रिया एक प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग चलेगा। उन्होंने कहा कि इस समय मौजूदा समय में कांस्टेबल जैसे जीडी के लिए आपको पता है एसएससी की जो भर्ती चल रही है 60,210 पदों पे जो 2018 से स्टार्ट हुई थी, अभी 2020 चल रहा है, अभी उसका आरएमई चल रहा है आप सभी को पता है। और किस अब अभी कितने दिन हुए हैं, लगभग आप मान के चलो 6 से 7 दिन हुए हैं अभी आरएमई चलते हुए बच्चों का, उसमें से आपको पता है कि काफ़ी बच्चों को पास किया जा रहा है। तो भाई यही रीज़न है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है इस बार भाई, कोई मेरिट नहीं बढ़ेगा, मैं बोल रहा हूँ डेफिनेट है भाई, आप इसकी टेंशन छोड़ दे। सर जो जो बच्चे का मेडिकल पास होगा ना उनकी मैं बोल रहा हूँ गारंटी है भाई, सभी की सिलेक्शन इस बार ज्वाइनिंग सभी को होगी, क्योंकि आपको पता है वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। 60,000 ये टेंटिव वैकेंसी है, कन्फर्म या परमानेंट वैकेंसी नहीं है एसएससी ने बताई है जो। तो मैं कह रहा हूँ भाई सभी की चांसेस हैं, बस थोड़ी सी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। हमारा जो भाई 24 तारीख को आपको पता है ट्रेंच करवाने लगा है, तो आप सभी ने भाई को सपोर्ट करनी है। मैं नाम तो नहीं ले सकता किसी रीज़न की वजह से, लेकिन मैं कह रहा हूँ सभी ने सपोर्ट करनी है एक दूसरे को भाई, तभी कुछ हो सकता है दोस्तों।
ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अच्छी लगी हो तो जय।